बेतिया से बड़ी खबर। हिंदू जागरण मंच व KR99 बैच द्वारा जिले में पल्स ऑक्सीमीटर का वितरण किया गया। बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने पल्स ऑक्सीमीटर के वितरण का शुभारंभ किया। इस प्रयास को सार्थक बनाने में शहर के लाल बाजार निवासी कुमन प्रसाद चौधरी ने अपने द्वारा 500 पीस पल्स ऑक्सीमीटर जरूरतमंद कोरोना मरीजों के लिए प्रदान किया है। बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने पल्स ऑक्सीमीटर का वितरण करने के पश्चात हिंदू जागरण मंच और KR99 बैच के इस पहल को सराहनीय बताया। हिंदू जागरण मंच और KR99 बैच के स्टूडेंट्स के द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया गया था, जिसमें कोरोना पीड़ित लोगों के परिजनों को एक पल्स ऑक्सीमीटर मुफ्त में प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वे लोग ये उन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है जो अपेक्षाकृत गरीब तबके से आते हैं। तो उसमें आशुतोष वर्मा जी के द्वारा मेरे को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बाकी ये अभियान हम लोग चलाते रहेंगे। तो इनके द्वारा लगभग 500 लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर देने की बात बताई गई है। तो ये सराहनीय प्रयास है कोरोना के चेन को ब्रेक करने और कोरोना पीड़ित के प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। और मेरे द्वारा इनके द्वारा जो इनॉग्रेट करवाया गया, उसके लिए भी मैं थैंक यू कह रहा हूँ। और आई होप इस सोसाइटी के अन्य सेगमेंट से भी इस तरीके के प्रयास विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगातार जारी रहेंगे, ताकि कोरोना से हम लोग मुक्त हो सकें। KR99 एवं हिंदू जागरण मंच के द्वारा बेतिया के लाल बाजार निवासी कुमन प्रसाद चौधरी के द्वारा हमें 500 पीस पल्स ऑक्सीमीटर वितरण करने के लिए दिया गया था, जिसका शुभारंभ हमारे बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा आज किया गया है। और इसी शुभारंभ के साथ साथ हम आज से पल्स ऑक्सीमीटर का वितरण कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच हम डोर टू डोर करेंगे। और इसके लिए हम कुमन प्रसाद चौधरी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये सहायता प्रदान की, ताकि हम ज़रूरतमंद पॉजिटिव मरीजों तक ये सुविधा पहुंचा सके। और इतना मैं कहूंगा अपने KR99 बैच को, क्योंकि कुमन प्रसाद चौधरी का पुत्र हम लोग के बैच का है और उन्हीं के माध्यम से यह सहायता हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने KR99 बैच को और हिंदू जागरण मंच को, जो इस वितरण का कार्य संभाले हुए हैं और शहरों में आज से यह वितरण शुरू कर रहे हैं।